अंबेडकर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ में थाने पर आकर एक रिपोर्ट पेश करी कि मेरी बेटी की शादी 2014 में गगरिया निवासी मुराद खान के साथ में करी थी। शादी के टाइम हमने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज का सारा सामान दिया था और शादी के थोड़े टाइम बाद तो सब ठीक रहा, किंतु बाद के अंदर उसके ससुराल वाले ससुर सास और पति एक तो दहेज की मांग को लेकर, दूसरा आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करवाएंगे इस बात को लेकर तंग परेशान करने लगे। इस बात को लेकर मैंने समाज के कई लोगों से इसकी समझाइश करवाई, किंतु थोड़े टाइम ठीक चला, फिर वापस सिचुएशन वैसे की वैसे रही। दिसंबर 2019 के अंदर मेरी बेटी जब घर पर ही थी तब उसका ससुर सास और पति लेने के लिए आए थे, तो समाज के लोगों के द्वारा समझाइश करने पर मैंने वापस उसको ससुराल भेज दिया। उसके थोड़े टाइम बाद में जब मेरा बेटा मेरी पुत्री को लेने के लिए घर गया तो मेरे पुत्र के सामने ही मेरे जो जवाई हैं उसने मेरी पुत्री को 3 बार तलाक 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 बोलकर बोला कि आज से तेरा और मेरा संबंध विच्छेद हो गया। ये कहकर मेरे बेटे के साथ में मेरी बेटी को मायके रवाना कर दिया और ससुर ने भी जो है मेरी बेटी के साथ में लज्जा भंग करने के आशय से मारपीट करी है। इस रिपोर्ट पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जांच अधिकारी मैं स्वयं हूँ, जांच जारी है।